मेरा मकसद ये था कि मुझे वापस आना है क्योंकि मुझे सर्बिया में सेटल होना है। तो 8:20 की बस है, सबसे पहले जाके अंदर चढ़ जाऊंगा मैं। यहाँ पर सिर्फ गारमेंट्स ही नहीं है, अगर यहाँ के मार्केट को आप देखोगे तो सिरेमिक्स में भी बहुत स्कोप है, क्रॉकरीज में भी बहुत स्कोप है। एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस टिकट लेने का आसान है या मुश्किल है, इंग्लिश खास तौर पर आती है या नहीं। तो मैंने दुकान, तो दुकान वाले बोले कि हम चाहते हैं कि इंडिया से करें पर हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की, अब बाय करने के टाइम पे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। हां, और बहुत अजीब लग रहा है सीरियसली। मतलब ये सर्बिया का लेडीज जेल है, लेडीज जेल, वुमेन जेल। हम कहीं भी जाते हैं ना, हम बहुत सारे कपड़े बैग्स भर के लेके जाते हैं। सड़क बंद कर रखी है पूरी तरीके से, क्यों बंद कर रखी है? कोई यहाँ प्रधानमंत्री पास नहीं हो रहे हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ हंगामा थोड़ा सा ज़्यादा है, बस ये आ गया पाला छिंके। तो आज का ये जो वीडियो है, इसी टॉपिक के इर्द गिर्द हम बात करेंगे कि आपने यहाँ पर आके जो अपना फ्यूचर है, ऐसा क्या था सर्बिया में जो आपको यहाँ खींच के लेके आया, और ऐसा क्या आप देखते हैं सर्बिया में बींग एन इंडियन जो आपको लगता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी इंडिया से बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी फैमिली। तो पहले मैं शुरू करता हूँ, पहुँचे कैसे थे आप यहाँ पर? मैं पहली बार जब आया था तो June 2018 हम लोग आए थे उरी फिल्म की शूटिंग के लिए, मैं उस फिल्म का प्रोडक्शन मैनेजर था। तो यहाँ से मेरी सर्बिया की जर्नी शुरू हुई थी, जो सिटी अभी हम जहाँ पर है पोजारेवस, यहाँ पर भी उस काफी मूवी में का जो मेन इंसिडेंट है टेररिस्ट अटैक वाला, अच्छा, वो इसी सिटी में शूट हुआ। ऐसा है क्या? ये मुझे जो आर्मी बेस पे टेररिस्ट अटैक होता है, अच्छा, और उसके बाद में एक्चुअली उरी हुई क्योंकि हमारे जवानों को असैसिनेट किया गया बेस में घुस के, और उसका जो जवाब हमने दिया वो सर्जिकल असैसिनेशन था। वो जो बनाया गया था सेट, वो बेसिकली यहाँ सेट नहीं, यहाँ पर क्रिएट किया गया यहाँ के आर्मी बेस में। ओके, यानी सर्बियन आर्मी का बेस था वो, जहाँ पर आतंकवादी आके हमारे आर्मी के जवानों को मारते हैं, वो बेसिकली वो यहाँ क्रिएट किया गया था सारा। गजब, बिहाइंड द सीन्स पता चल रही है कुछ बातें। तो कितना टाइम रहे आप यहाँ? 55 दिन, करीब 2 महीने यहाँ रहे। पहली बात तो वो 55 दिन आपके रहे कैसे? 55 दिन, पहले 30 दिन तो मैंने एक 5-स्टार होटल में ही गुजारा है। पहले 30 दिन, 30 दिन। ओह अच्छा, अच्छा। एग्जैक्टली 5-स्टार होटल में गुजारे इन द सेंस ऐसा नहीं था, कुछ काम से ही बाहर निकले है उतना ही, घूमना फिरना ऐसा सच कुछ भी नहीं था क्योंकि जब शूट चालू होती है तो हमारे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं होता है। स्पेशली जो हम लोग प्रोडक्शन वाले होते हैं तो हमारे लिए टाइम नहीं होता है, छुट्टियाँ होती है तो बाकी यूनिट के लिए होती है, अच्छा, लेकिन प्रोडक्शन के लिए छुट्टी के दिन भी काम होते हैं तो वहाँ पर उतना नहीं। लेकिन उसके बाद में जब 10-12 दिन के शूट के लिए हमारा शेड्यूल इस सिटी में था जी, तो यहाँ के जो होटल के कुछ स्टाफ थे उन्होंने एफर्ट्स लिए हमारे साथ में कोऑर्डिनेट करने का, अच्छा, हमारे के साथ कम्युनिकेट करने का। ओके, तो मुझे स्पेशली पूछा गया सर्बियन फूड ट्राई करना चाहोगे क्या सर्बियन? तो मैंने हाँ बोला। हम लोग खाना खाने बाहर गए जी, फिर सर्बियन कल्चर धीरे धीरे जानते, तो यहाँ पर लोगों से जब इंटरेक्शन बढ़ी तो पता चला कि यहाँ के लोग बहुत मिलनसार है। अच्छा, दे आर वेरी वेलकमिंग फॉर द इंडियंस, उनको भी अपने प्रति बहुत अपनापन है। अच्छा, इंडिया को लेकर बड़ा स्पेशल अटैचमेंट। हाँ, उनको जब पता चलता है कि हम इंडिया से हैं तो एक बोलते ना वेलकमिंग वार्मथ आ जाती है उनके बिहेवियर में। जब तक नहीं पता है तब तक वो आपको एज अ जिप्सी ट्रीट करेंगे, तो आपको 10 फुट 10 कोस दूरी रखेंगे कि भाई तू दूर रहे। तब मुझे यहाँ का ना अच्छा लगने लगा। अच्छा, और उन 12 दिनों में मैंने डिसीजन लिया कि यार मुझे सर्बिया वापस आना है। जहाँ पर इस सिटी में मैं पोजारेवस में जब रहा था, अच्छा, बेलग्रेड के 30 दिन कोई मायने नहीं रखा। समझ गया, आप होटल में थे, यहाँ 12 दिन आपने बिताए थे, तो एक तरीके से सर्बिया को पहली बार आपने यहाँ एक्सप्लोर करना शुरू किया। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वैसे तो आप चैनल पे अगर पुराने हैं, मैं आमतौर पर शहरों में कम रहता हूँ, गाँव में, अब गाँव शहरों से बस बाहर निकल जाता हूँ, और आज भी यही हुआ। 10 दिन हो गए थे बेलग्रेड में, बाहर निकल के मेरे को असली सर्बिया नज़र आया और बहुत अच्छा लगा मेरे को। पोजारेवस के जो बाज़ार थे, बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलीं। विनायक भाई ने भी एक्सपीरियंस किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आपको असली कल्चर कहीं का देखना है तो शहरों से बाहर निकल कर देखिए। उसका फ़ायदा क्या है? उस विजिट ने, उन 12 दिनों ने इनकी लाइफ चेंज कर दी। बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई हूँ जी, तो वो जो एक है ना भागो भागो, हम मुंबई में हमारा एक लाइफस्टाइल है ही नहीं।
अच्छा, हम घड़ी की तरह चलते हैं एक्चुअली कि यार सुबह 8 बजे निकलना है तो निकलना है. लाइक मेरे घर से मुझे अगर 12 किलोमीटर दूर अंधेरी जाके ट्रैवल करके पहुंचना है और मुझे 10 बजे पहुंचना है, मैं अगर 9 बजे निकलता हूं तो मैं जस्ट पहुंचते 10:30 बजेंगे. लेकिन अगर मैं 8 बजे पहुंचूंगा तो भले मैं 9 बजे पहुंचूं लेकिन मैं बिफोर टाइम पहुंचूं, बिकॉज बाद में ट्रैफिक जब बढ़ता है तो हमारी पूरी जो टाइम है वो ट्रैफिक में ही बिगड़ता है. तो मुंबई का जो लाइफस्टाइल है ना वो सिर्फ भागो भागो है. वो एक मूवी में बड़ा अच्छा कहा था, लाइफ रेस है. तो वो मुंबई में ना, मुंबई में आप इडियट हो या ना हो, लाइफ इज ऑलवेज अ रेस. एक स्कूल जाते बच्चे की भी लाइफ रेस है क्योंकि उसको भी स्कूल के लिए भागना है. लेकिन आपको यहाँ के, यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है. यहाँ के लोग लेड बैक है, यहाँ के लोग जीना जानते हैं. 14 सितंबर को मैं वापस सर्बिया आया 27 डेज के लिए. ये आपका पर्सनल विजिट? ये पर्सनल विजिट था. अच्छा. मेरा मकसद ये था कि मुझे वापस आना है क्योंकि मुझे सर्बिया में सेटल होना है. यहाँ पर आने के बाद में के जो भी बचे हुए 25 एक दिन थे सर्बिया के, उसमें मैंने यहाँ पर ज्यादा गौर करना शुरू किया. अच्छा. और मैंने ये देखा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बन सकती है. ओके. बिकॉज ये डेवलपिंग कंट्री है. हाँ, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब डिस्कशन का जो सारा जो बहुत जो क्रक्स है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अभी तक मुझे मैंने सिर्फ ये देखी कि यार यहाँ पर फिल्म फ्रेटर्निटी को बहुत अच्छा बेनिफिट सपोर्ट दे रही है यहाँ की गवर्नमेंट. अच्छा. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर आके लाइन प्रोडक्शन का बिजनेस शुरू करूँ. अच्छा. इंडिया से कुछ शूट्स लाने की कोशिश करूँ और मैं यहाँ पर काम करूँ. यानी अगर आप कुछ भी किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो फिल्म प्रोडक्शन से, या आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ईमेल एड्रेस business@tourist helpline पे आप कांटेक्ट कर लें. आप उसमें है मतलब सब्जेक्ट में डाल दीजिए विनायक आगे सर्बिया, तो आगे मेल्स विनायक भाई तक पहुंच जाएंगी. ये तो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी अभी विनायक भाई ने बताई है कि अगर आप फिल्म से जुड़े हुए हैं और आप सर्बिया में कुछ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है तो ही इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता. जब मैं सितंबर में वापस आया, कहाँ रहे थे यार? मैं यहीं पे नहीं, मैं बेलग्रेड गया ही नहीं. बेलग्रेड में अच्छा, उतरा. अच्छा. वहां से मैंने टैक्सी बुक कर रखी थी ऑलरेडी. अच्छा. वो टैक्सी मुझे यहाँ पर लाके पोजारोवस में होटल में छोड़ गई. अच्छा. ओके. तो यहाँ से मैं जब लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि सर्बिया में से इंडिया, सर्बिया इंडिया के बीच में काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है. कि जैसे यहाँ से कोई कंपनी है जो इंडिया में ऑलरेडी वुड सप्लाई कर रही है फॉर क्रिकेट बैट्स, जो यहाँ की कंपनी है, सर्बिया की कोई टिम्बर का जंगल का ठेका लिया हुआ कोई कंपनी है. अच्छा. वो यहाँ से लकड़ा बेचती है इंडिया में जालंधर में किसी कंपनी को क्रिकेट बैट के लिए. ओके. जबकि जालंधर में तो बहुत सारे, जालंधर और कश्मीर या जम्मू में बहुत, हाँ जालंधर में तो खास तौर पे स्पोर्ट्स का काफी ज्यादा काम होता है. तो लेकिन लकड़ी यहाँ से जाती जो क्रिकेट के बैट के लिए लगने वाला लकड़ा है वो यहाँ पर अबंडेंस में है बहुत. और सिर्फ क्रिकेट बैट नहीं, काफी सारे, जैसे इंडिया में ओक वुड बहुत डिमांड में है, बीच बहुत डिमांड में है. जो इंटीरियर्स, मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एंड स्टडीज आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर. अच्छा. ओके. तो ये लकड़ा तभी कॉलेज टाइम पे पढ़ते थे, थोड़ा काम किया तो जानते थे कि है. अब यहाँ पर ये उगता है, फिर यहाँ पर और भी एक लकड़ा है पॉपुलर. तो जब यहाँ पर बनी उग ही रहा है तो ये सस्ता ही जाएगा. तो ट्रेडिंग का स्कोप है. अच्छा. फिर देखने, जब ट्रेडिंग का स्कोप तब होता है जब यहाँ पर वो चीज सस्ती है और इंडिया और में महंगी है. तो ऐसा है. हाँ. चलो. इंडिया में ये लकड़ा ओकवुड उगत नहीं उगता है. फिर किसी शॉप में गए कपड़ा खरीदने तो देखो तो हर कपड़े के ऊपर टैग लगा है मेड इन तुर्की. अच्छा. मेड इन तुर्की का टैग लगा है. तो मेरी दुकान वाले से बात हुई ऐसा ऐसा, तो मैंने कॉस्टिंग देखी तो हमारे पास एक है, हम इंडिया में से जब हम है तो हमारे पास एक अननोइंगली प्राइस की कंपैरिजन चलती है. कपड़ा देखा, क्वालिटी देखी, मैं बोला यार ये तो बहुत महंगा है तुर्की वाला कपड़ा. हाँ. अच्छा. मैं बोला यार इसको इतना पैसा दे रहे इंडिया में तो मैं ये इतने का खरीदूं. हाँ. तो मैंने दुकान, तो दुकान वाले बोले कि हम चाहते हैं कि इंडिया से करें पर हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं है. अच्छा. दुकानदार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं इंडिया से कॉन्टैक्ट करना लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं है. अरे वाह. अच्छा. जब एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये वीडियो ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो जाए इस वजह से मैंने इसको काफी एडिट किया है.
लेकिन अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्ट है, तो आप चाहें तो पूरा का पूरा ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने अनएडिटेड पब्लिश किया हुआ है अपने चैनल पे, उसका लिंक विजिबल है सिर्फ मेंबर्स के लिए। और मेंबर बनने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा चैनल। मेंबरशिप शुरू हो जाती हैं 29 रुपीज़ 29 रुपये से शुरू हो जाती हैं, और अलग अलग टीयर्स हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इस चैनल के नीचे जो ज्वाइन बटन लिखा हुआ है उसको जाके क्लिक करना होगा, और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अलग अलग टीयर्स में। बाकी अगर आप मेंबर नहीं बनते हैं तो मैं सभी के लिए जैसे आज तक वीडियोस मैंने बनाए हैं आगे भी बनाता रहूँगा। बस हाँ, मुझे लगता है कि मेंबर्स थोड़े से स्पेशल बेनिफिट्स डिजर्व करते हैं, इस वजह से ये एक स्पेशल बेनिफिट उनके लिए। ये सब पता नहीं है हमें, ये बिजनेस पीपल जानेंगे। ओके ओके, यहाँ पर सिर्फ गारमेंट्स ही नहीं है, अगर यहाँ के मार्केट को आप देखोगे तो सिरेमिक्स में भी बहुत स्कोप है, क्रॉकरीज में भी बहुत स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर स्टील यूज नहीं होता है, यहाँ पर क्रॉकरीज ही यूज होती है, और यहाँ पर क्रॉकरीज नहीं बनती है, सारा इम्पोर्ट होता है। कहाँ से? चाइना से भी आता है। अच्छा, चले पौने 8 हो रहे हैं सुबह के और नया दिन शुरू हो गया है, चलने का टाइम हो गया है। हमको जाना है बेलग्रेड पुजारीबाद से, और विनायक भाई बता रहे हैं कि हमारी परंपरा है उसको मैं नहीं तोड़ूंगा, जब घर में कोई आता है तो उनको छोड़ने के लिए ज़रूर जाते हैं। मैंने कहा था ज़रूरत नहीं है, मैं निकल जाऊँगा, वापस नहीं आऊँगा, तो आप मुझे घर से भी अलविदा बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें शायद भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, मैं शायद वापस आ सकता हूँ। वापस आ गए तो इसलिए तो पार्क से चलना है, जहाँ से चलिए आप जो शॉर्टकट हो। शॉर्टकट नहीं, पार्क से ऐसे। अच्छा ठीक है, चलिए। सनराइज बड़ा अच्छा था आपके सुबह आज। पहली बार मैं बहुत जल्दी उठा, 6 बजे उठ गया था मैं आज, और क्योंकि रेडी होना था थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर गैजेट्स वगैरह को भी तैयार करना था अपने अलावा, तो इसलिए जब उठा तो मैंने देखा कि सूरज धीरे धीरे पीछे पहाड़ के पीछे से हिल है जो वहाँ उस तरफ वहाँ से उग रहा था। Friend from India. Hello. Hi. So, just go. Okay. Ciao. ये भी यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह है, उस तरफ में आपको अंडे भी मिल जाते हैं। अच्छा, और इसी बीच में ये पीछे देख रहे हो फिश की शॉप्स है। अच्छा, छोटी सी मार्केट है, अच्छी है। क्या बोलते हैं आलू? क्रॉम्पिर। क्रॉम्पिर, क्रॉम्पिर, व्हाट? क्रॉम्पिर आलू को बोलते हैं, क्रॉम्पिर। और रशिया में बोलते हैं कर्तोशका। बहुत सारे लोग। अच्छा, हम पहुंच गए क्या? अच्छा, वहाँ से। ओके ओके, क्या छोटी सी सब्जी मंडी थी ये? ऐसी यहाँ पर इस सिटी में हाँ 5 है सब्जी मंडियाँ। और ये क्या हुआ? ये टमाटर गिर चुके हैं, सुबह में मार्केट के लिए आया होगा सामान हाँ, पर दोपहर में नीचे गिर गया होगा। अच्छा अच्छा, आपने बताया ये मतलब ऐसी यहाँ 5 मार्केट्स हैं और हाँ 5 किलोमीटर के रेडियस में ये सिटी है हाँ, और उसमें 5 मार्केट्स रखी है म्युनिसिपल हाँ, लोगों के बेनिफिट्स। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा भी है जैसे अपने यहाँ पर मंदिर मस्जिद होते हैं? हेलो, मॉर्निंग। अपने चर्चेस है? नहीं नहीं, चर्चेस हैं लेकिन अपने यहाँ होता है ना सड़क के बाजू में खुल गया ना, और इधर बीच में से कुछ पार्क के बीच में एक मंदिर आ गया, एक मस्जिद हो गया या कुछ और आ गया, ऐसा कुछ? ऐसी रिलीजियस प्लेसेस ना यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। ओके अच्छा है,
सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है ना, ये पुरानी सिटी, पुराना टाउन है ये, पुराना टाउन हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल है इसका तो, उसके बाद भी यहाँ मंदिर वगैरह बीच में नहीं है, कुछ नहीं है। नाइस, वेरी नाइस। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जब सड़क पार करते हैं पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वाले लोग, तो कार अपने आप स्लो हो जाती हैं, प्रायोरिटी पहले चलने वालों को, पैदल चलने वाले लोगों को मिलती है सड़क पर। खैर ये तो जब यूरोप पहली बार आया था तो मैं हैरान था, अरे ये क्या हो गया। भी तो एक्सपीरियंस किया हर जगह पर, लेकिन यूरोप मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था इंडिया से बाहर निकल के, जहाँ मैंने अपने लिए किसी कार को रुकते हुए देखा था और वो भी स्माइलिंग, और मुझे लगा ये कर क्या रहा है स्माइलिंग में। हाँ, और फिर वो उसने ऐसे से कहा जाओ। इसके बाद फिर क्या हुआ, 15 दिन का मेरा वो ट्रिप था, 2016 सितंबर की बात है। फिर मैं जब इंडिया वापस पहुँचा दिल्ली एयरपोर्ट से, जब मैं बाहर निकल रहा था, वहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करके मैं मेट्रो स्टेशन जा रहा था, तो मैं बिल्कुल उसी धुन में अपने सवार हो के, मतलब अपने धुन में सीधा निकले जा रहा था, और अचानक ब्रेक लगी बहुत ज़ोर से, और मैं हैरान था, मैं डर गया, ओ शिट, मुझे रियलाइज हुआ मैं इंडिया में आ चुका हूँ और कार थी ये, अब यहाँ उड़ जाता। और ऊपर से कार वालों ने, कार का जो ड्राइवर होगा, हाँ, लिप्स भी हिलाई होगी। अब क्या किया होगा ये तो पता नहीं, इतना तो मैंने खैर उसकी पार नहीं देखा, लेकिन मेरे को बस यही शौक अपने आप में काफ़ी था कि इन 15 दिनों में यूरोप आने के बाद में मैं कितना यूज टू हो गया था सड़क को क्रॉस करने के लिए। मुझे कैसा होता ना, मैं जब आता हूँ इंडिया में, हाँ, तो मुझे ना डर लगता है, हाँ, एक डर सा बैठ गया, पहले ना लगता, हाँ, नहीं था, हाँ, पहले आदत थी तो हम चल लेते थे, हाँ, अब वो ना एक बैक ऑफ द माइंड आवाज़ चलती है, तू इंडिया में नहीं है। कल शाम को 4-4:30 बजे यहाँ पहुँचा था, और तो बस का स्थानित्सा मेरे ख्याल से कुछ 15 घंटे इस देश के एक आम से कस्बे को एक्सपीरियंस करने के बाद में अब वापस जा रहा हूँ बेलग्रेड। टिकट ले रहा हूँ वहाँ पीछे से, खुद लूँगा जाकर, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस टिकट लेने का आसान है या मुश्किल है, इंग्लिश खास तौर पे आती है या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। वैसे अंदर यहाँ लोगों ने मास्क लगाए, मैं मुझे भी लगाना चाहिए था बस के अंदर, आपको लगाना बस के अंदर लगाने के। बेलग्रेड 1 कहाँ से कैसे दूँ यहाँ से, क्या हम ये $8.20 Can I get a seat in the front? A front seat? Of the America, where are you? Okay, thank you very much. Voila. ये टिकट मैंने ले ली है, ये मुझे मिली है 795 दिनार की है। मैंने पूछा कि मेरे को आगे की सीट दे दो आप, हमेशा की तरह, उन्होंने कहा कि सीट नंबर नहीं, कहीं भी जाके बैठ जाना। तो 8:20 की बस है, सबसे पहले जाके अंदर चढ़ जाऊँगा मैं, ताकि पहली सीट मिल जाए। Okay. तो बस कहाँ मिलेगी ये, 1 या 2 पे यूजुअली आती है, 1 या 2 पे आती है, अगर हाँ वहाँ लिखा हुआ है, मैक्सिमम इसमें 1 पे ही आती है। ओके, तो 8:20 की बस है, अभी 8:05 बाकी हैं, तो जो भी आएगी वो मेरी बस होगी, ऐसा नहीं शायद देख लेना कभी 8 की भी एक आ सकती है। तो कैसे पता चलेगा कि मेरी वाली बस है, उसने कोई नंबर लिखा रहता है? टिकट दिखाओगे तो वो बता देगा ये बस नहीं बाद वाली बस, 8:20 की अगर बस है तो 8 स्टेशन पे नहीं आएगी। समझ गया वो 8:15 के बाद ही आएगी, 8 वाली। अच्छा चलो ठीक है। वैसे तो वहाँ पर वो प्लेटफॉर्म नंबर लिखा हुआ है, लेकिन बता रहे हैं विनायक भाई कि बेलग्रेड की बसेज आमतौर पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आती हैं, अदरवाइज़ टाइम लिखा हुआ आ रहा है उस तरफ पीछे, और डेस्टिनेशन का नाम और उस डेस्टिनेशन की बस कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, ठीक है। और ये पीछे सारा हिसाब किताब है, पीछे वेटिंग हॉल है जहाँ लोग बैठे हुए हैं, वेटिंग हॉल में लोग बैठे हैं। और इस एरिया तक तो
विनायक भाई जैसे जो लोग छोड़ने के लिए आते हैं घर से वो आ सकते हैं, उसके बाद फिर मुझे अंदर जाने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो एक्सेस कंट्रोल्ड जो होता है बेसिकली, वो घुमा के बेसिकली वो वहाँ लगा हुआ है, सिर्फ पैसेंजर्स ही जा सकते हैं जिनके पास में टिकट्स हैं। अच्छा, जैसे मेट्रो में होता है ना, दिल्ली मेट्रो में या सारी मेट्रोज में होता है वैसे एक्सेस कंट्रोल्ड है बेसिकली। मास्क लगाने के बाद में देखिए यही हो जाता है, चश्मे के ऊपर वो भाप जमने लगती है, अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है, ऐसा रहता है घुटन है बहुत, मैं बंद हूँ चारों तरफ से। ये कब छुटकारा मिलेगा इससे? जब हम अपना ख्याल खुद रखना शुरू करेंगे। हम तो रख रहे हैं, नहीं रख, इस वायरस को आप हटा दीजिए आप जल्दी से, वायरस अपने आप हटेगा। एक्चुअली मेरे को पहली सीट पकड़नी है ना, इसलिए मैं थोड़ा वहाँ जा रहा हूँ, और वहाँ पर विनायक भाई अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम अब अलविदा कह देते हैं एक दूसरे को। अलविदा कहने का टाइम आगे, तो अब आप घर जाइए। जनाब ने भी कुछ सुबह उठ के बस मेरे साथ में अपनी वो परंपरा निभाने के लिए आ गए हैं, छोड़ने के लिए आ गए हैं। मैं चलता हूँ बाहर। चलो, और आप भी मिलते हैं। या थैंक यू वेरी मच भाई। और हम बस ऐसे ही बाय कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, अदरवाइज सोशल डिस्टेंसिंग मन तो कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की अब बाय करने के टाइम पे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। हाँ, और बहुत अजीब लग रहा है सीरियसली, मतलब छोड़ते हुए ना, जब विदा लेते हुए गले नहीं मिलना या हाथ भी नहीं मिला पाना, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे जितना भी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है ये पहला ट्रिप ऐसा होने वाला है, और मैं जानता था ये होगा, और ये शायद पहला टाइम है जब मैं किसी को बाय कह रहा हूँ और मैं उनसे गले या हाथ भी नहीं मिल पा रहा हूँ। बट ठीक है, आप ख्याल रखिए, मिलते हैं जरूर। सर्बियन में कहते हैं विदी मोसे। विदी विदी मोसे विदी मोसे विदी मोसे मतलब क्या होता है? फिर मिलेंगे विदी मोसे। बाय बाय।